सरसों का साग और मक्के की रोटी अब सिर्फ पंजाबी लोग ही पसंद नहीं करते, बहुत जगह मिलता भी है और विंटर में तो उसका खास रीजन भी है। साग तो बन जाता है लेकिन मक्के की रोटी बनाना मुश्किल होता है क्योंकि वो ग्लूटेन फ्री होता है। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक दिखा रही हूँ, आप आराम से रोटी बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप मक्के का आटा लिया है, आधा कप नॉर्मल आटा, जी हाँ हम यहाँ मिक्स करके बनाएंगे। ये इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि जो मक्के का आटा बहुत हैवी होता है डाइजेस्ट करने के लिए, तो आटे के साथ आप बना सकते हैं। बस थोड़ा सा गुनगुना पानी और आपको एक नॉर्मल डो बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप मक्के का आटा ले, तो मैंने पहले भी कुट्टू की जब पूड़ी बनाई थी या जब मैंने वो चावल के आटे का फरा बनाया था तो आपको दिखाया था। उसमें क्या होता है कि पानी आप गर्म करिए और 1 कप पानी है तो 1 कप आटा, उसके बाद आपको डो लगाना होता है। तो यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट सा डो लगाना है, बट बस ये सब में रेस्टिंग टाइम नहीं होनी चाहिए, आप साथ साथ काम करिए। तो बस हम लोग रोटी बना लेंगे। तो जब हम आटा मिक्स करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है और आप आराम से बना सकते हैं और आपको टेस्ट में भी इतना फर्क नहीं मिलेगा। तो ये देखिए हम लोग पहले सारी रोटियां जैसे बनाते हैं, बड़ा छोटा जो आपके घर में बनता है आप बना लीजिए। तो यहाँ पर मैं सब कुछ बेल बेल के रख दे रही हूँ और तवा पहले से हमने रख दिया है, वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए अगर आप लोहे के तवे बना रहे हैं तो। जैसे आप रोटी बनाते हैं, मैं तो गैस पे नहीं सेकती, तो मैं तो तवा पे ही रोटी को फैलाती हूँ। तो ये देखिए तो बहुत ही अच्छा बनता है। सरसों का साग का रेसिपी तो मैंने पहले ही दे दिया है, तो आप उसे भी जरूर ट्राई करिएगा। तो ये रही आपकी मक्के की रोटी रेडी। तो बस इसके बाद आपको बटर लगाना है, बटर लगाइए, घी लगाना है, घी लगाइए, फिर एंजॉय करिए। बाय।